बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। तो गाइज़, वो सारे लोग जो ढूंढ रहे थे बिहेवियर साइंस के पास यूक्यूज़, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने कहा चले यार शेयर कर देते, मैं भी किसी एक बंदे की हेल्प हो जाए ना, ठीक है। बाकियों को मैंने जो है ना वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो यहाँ से जो है ना वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके स्क्रीन शॉट ले लेना। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा यार इसको देख लेना, रिपीट हो जाते हैं पास्ट के दस दिन, लाजमी रिपीट होते हैं। मतलब 20% तो पेपर पास आना होता है ना, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो मैं बता रहा हूँ 20% आना होता है, ठीक है। और लोग जो करके गए हैं उनके काफ़ी अच्छे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, ठीक है। ये अभी ये है 2019 का जो है ना वो पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 17-18 मतलब 45 MCQs होती है ना, तो आप प्लीज़ ऑलमोस्ट इनके आंसर ठीक है, लेकिन गलती की गुंजाइश है। आप एक दफ़ा बुक से लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा ताकि आपको फिर भी कोई शक ना रहे। बिल्कुल भी फास्ट पेपर वाली बुक के कभी भी रिलाई ना 100% मत कीजिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग में गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जो आपकी अथेंटिक बुक है उसके अंदर एरर मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो यही बस एक मैंने बात करनी थी, बाकी इसका जो है ना वो स्क्रीन शॉट ले लें। तो ये अभी जो है ना वो मैं आपको मोबाइल वर्जन, लैपटॉप से जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ईजीली जो है ना आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लें और यहाँ से फिर इसको जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो 2019 का पेपर, और ये भी है 2018 का, जिसके अंदर अवॉइडेंस हो गया, ऑटोनॉमिक्स हो गया, पैरासुसाइड हो गया, स्टिग्मा हो गया, ठीक है, और सिक रूल के बारे में, फिनोलिंग के बारे में, वैल्यूज हो गया, बिलीव्स हो गया, ठीक है, लीव हॉस्पिटल हो गया, और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस हो गया, और इमोशनल रिसेप्शन हो गया, फिर हमारे पास बेनिफिशियंस हो गया, स्टिमुलस जनरलाइजेशन थेरेपी, ICU हो गया सारे का सारा, ठीक है। तो ये था अभी हमारे पास 2015 का एक, ठीक है। पर्सन लिविंग और साइड हाउस में जिसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन हो गया, अडल्ट फीमेल मोस्ट प्रेग्नेंट, डेथ एंड डाइंग आर डिफाइंड बाय थैनाटोलॉजी, IQ जो था ना 90 से 100, ये बड़ा IQ वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीट मैंने देखा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे स्कॉल्डेड बाय बॉस हो गया, टेलीपैथी हो गया, चीयरफुल हो गया, उसके बाद सस्पिशियस हो गया, इसके लिए पैरानाइड हो गया, और पेशेंट आस्क फॉर कंसेंट में ऑटोनोमी हो गया, ठीक हो गया। सिनेरियो मेडिकल डॉक्टर स्टिचेज अवेलेबिलिटी इंक्रीज शेपिंग हॉस्पिटल में दे, ठीक हो गया, अर्ली हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारे का सारा फेशियल सर्जरी जो होता है ना वो परमानेंट डिस्फिग्रेशन ऑफ द डिप्रेशन हो गया, ठीक है। मैस्लो मोटिवेशन हर चीज़ हो गया, काउंसलिंग जो होता है ना वो हेल्प हिज सेल्फ हो गया, टाइप ए और टाइप बी रेफर्स टू मोस्ट कॉमन डिजीज कार्डिक। और फिर हमारे पास होता है 40-year-old पेशेंट जो होता है ना वो हैप्पी हो गया, इसमें कमेंटमेंट आ जाती है सारी की सारी, ओके हो गया। पेशेंट हैज ग्रॉस्ट लॉस एंटीरोग्रेड एमिनेजिया हो गया, ग्रॉस मेमोरी लॉस के अंदर मिनी मेंटल स्टेट के साथ रिलेटेड, ओके मतलब मुझे रिकॉल हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट इन स्लीप हाइजीन के ख्याल करें, ओके होगा। तो अभी यार यहाँ तक ही आ जाना, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। नेक्स्ट जो देना मैं आपको, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।